को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूंकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आप सुनेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लिए EDC और USAID द्वारा निर्मित परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है मैं और मेरा इतिहास। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, आप सुनेंगे कक्षा 4th और 5th के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों एवं छात्रों को दीदी का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इतिहास क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हम अपना व अपने परिवार का इतिहास लिखना भी सीखेंगे। अरे उड़न घोड़े, क्या बात है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? मुन्नी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझसे पहली बार मिल रही हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होती है मैं तुम्हारे सामने होता हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? ओ उड़न घोड़े, मैं अकेली बोर हो रही हूँ, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। क्या कहा? केवल एक कहानी? मैं तुम्हें कहानी से भी अच्छी और सच्ची बात बता सकता हूँ जो असल में घट चुकी है। पता है, ऐसी कहानियों से ही हमारा प्राचीन इतिहास बना है। तुम भी फिर वही पूर्व इतिहास, वही राजा रानी लड़ाई झगड़ा तारीख सन? नहीं 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 नहीं, रहने दो भाई, धन्यवाद। नहीं मुन्नी, सुनो तो, सारा इतिहास उबाऊ नहीं होता, मेरी पूरी बात तो सुनो। ठीक है उड़न घोड़े, देखते हैं तुम्हारा इतिहास अच्छा है या नहीं, नहीं तो। सुनो मुन्नी, बहुत पुरानी बात है, करीब 8,000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु नदी के तट पर कुछ लोग रहते थे।
जहां उन्होंने कई शहर बसाए। वो धातु शिल्प में निपुण थे और उन्हें लिखना भी आता था। 8000 साल पहले एक शहर, वहाँ धातु शिल्प लेखन, वाह! बताओ ना उड़न घोड़े, इन लोगों का क्या नाम था? क्षमा करना मुनी, नाम तो कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ 100 साल तक ही उनकी सभ्यता रही और अचानक खत्म हो गई। उन्हें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता। इस बात को कोई नहीं जानता तो तुम्हें कैसे पता वे थे भी या नहीं? कहीं ये कोई काल्पनिक कहानी तो नहीं? नहीं मुन्नी, मैं सच बता रहा हूँ। खुदाई से प्राप्त हुए उनके अवशेष आज भी इस धरती पर देखे जा सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रमाण ये है कि खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शहरों से मिली चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर उनके अभिलेख हैं। तब तो उनके अभिलेख पढ़कर हम उन लोगों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उनका नाम भी। दुर्भाग्यवश मुन्नी, उनके अभिलेखों की भाषा कोई समझ नहीं पाया है। घोड़े, ये इतिहास तो कहानी से कहीं ज्यादा मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतिहास इतना दिलचस्प भी हो सकता है। मुझे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ और बताओ ना। नहीं मुन्नी, अभी के लिए इतना ही काफी है। अब तक जितना सीखा है पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। अब मैं जा रहा हूँ, अलविदा। रुक जाओ उड़न घोड़े, रुक जाओ राजू। हड़प्पा शहर, मोहनजोदाड़ो, 1000 साल पहले। ये क्या है मुन्नी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें कुछ पता है? कभी अप्पा कहती हो तो कभी हड़प्पा। मुन्नी, ओ मुन्नी। अरे राजू, तो तुम हड़प्पा से कब आए? मेरा मतलब है, मैं अभी फिर उसी घोड़े से सपने में मिली, उसने मुझे एक बहुत मजेदार कहानी सुनाई। मुन्नी, हमें पाठशाला के लिए देर हो रही है, तुम मुझे अपना सपना रास्ते में बताती चलना। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी प्राचीन शहर हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जाना। अब मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के महान पुरुष गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। अपनी माता से उन्होंने सच्चाई के गुण सीखे। उसके बाद वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और देश को आजादी दिलाई। विद्यार्थियों, अभी आपने एक महान व्यक्ति का संक्षिप्त इतिहास जाना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गांधी जी जैसे महान लोगों का ही इतिहास होता है। हमारा यानी आपका और मेरा भी इतिहास होता है और लिखा जा सकता है। अरे बबलू और मुन्नी, तुम दोनों कहाँ थे? मैंने अभी अभी बच्चों को गांधी जी का इतिहास बताया। दीदी, ना जाने आपको और उस घोड़े को क्या हो गया है, सुबह से बस एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है, इतिहास इतिहास और सिर्फ इतिहास। मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी दीदी, आखिर हम इस इतिहास को इतना महत्व क्यों देते हैं? मतलब हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? कक्षा में बैठे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप मुन्नी के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? शिक्षक, किन्हीं 3 विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार करें। शिक्षक, पहले छात्र से पूछें,
हमें इतिहास की आवश्यकता क्यों होती है? अब दूसरे छात्र से पूछें, हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है? अब तीसरे छात्र से पूछें, इतिहास से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है आप सबने अलग अलग उत्तर दिए होंगे। शाबाश। इतिहास पिछले अनुभवों से हमारा परिचय करवाकर हमें कुछ सिखाता है। ये अनुभव अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग समुदायों व अलग अलग समाजों के अनुभव होते हैं। हमें इतिहास की आवश्यकता अपना वर्तमान समझने और अपने भविष्य को आकार देने के लिए होती है। दीदी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, इतिहास लिखने के लिए हमें अनुभव की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें बड़े और योग्य बनना होगा, कोई महान काम करना होगा ताकि हमारा भी इतिहास लिखा जाए। नहीं नहीं मुन्नी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम भले ही बच्चे हो, लेकिन तुम भी अपना इतिहास स्वयं लिख सकती हो। मुन्नी, बबलू, क्या तुम दोनों अपना इतिहास लिखोगे? सच दीदी, हम सचमुच अपना इतिहास स्वयं लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो कि इतिहास लिखने के लिए अनुसंधान या छानबीन कैसे करते हैं। थोड़ी देर बाद यही काम आपको कक्षा में करना है, ठीक है? पहले मुन्नी से प्रश्न पूछती हूँ। मुन्नी, तुम तैयार हो? मुन्नी, आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम पंडरिया है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन और मेरे चाचा चाची हैं। ऐसी कोई भी दो बातें बताओ जो तुम्हें अपने बचपन में पसंद थी। मुझे अपनी दादी से कहानियाँ सुनना और गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद था। अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना बताओ। हाल ही में मैं तीज का मेला देखने गई थी। आसपास के 10 गांवों में से लोग आए थे। बाप रे, क्या भीड़ थी वहाँ। ये मेला मैंने पहली बार देखा। शाबाश मुन्नी। कक्षा में बैठे छात्रों, क्या आपने मुन्नी के जीवन की ये घटना सुनी? हम सभी के जीवन में ऐसे कई अविस्मरणीय घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग होती हैं। तो अब हम अपना इतिहास लिखने की कोशिश करें। शिक्षक, आप कृपया विद्यार्थियों की इसमें मदद करें। शिक्षक, कक्षा की किसी एक छात्रा को सामने आने को कहें। प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक, अब हम सामने खड़ी आपकी दोस्त से उसका इतिहास सुनेंगे। मैं उससे वही प्रश्न पूछूंगी जो मैंने मुन्नी से पूछे थे। शिक्षक, उस छात्रा से कहें कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर थोड़ा जोर से दे, ताकि कक्षा में सभी उसे सुन सकें। उत्तर देने में आप भी उसकी मदद करें। तो ये है मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? अब सभी विद्यार्थियों से कहें कि वे भी अपना नाम बताएं। बहुत अच्छे। अब छात्रा से मेरा अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
शिक्षक अब सभी विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने मन में सोच लें कि उनके घर में कौन कौन है। ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न, बचपन में तुम्हारी पसंद क्या थी? शिक्षक अब सभी विद्यार्थियों से कहें कि वे इस प्रश्न का उत्तर भी अपने मन में सोच लें। अच्छा, तो अब आपकी दोस्त अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताएगी जो महत्वपूर्ण है और उसे याद है। शिक्षक विद्यार्थियों से कहें कि वे भी अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना को याद करें। बहुत अच्छे, आप सभी ने प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दिए। शिक्षक जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए तब विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने कुछ देर पहले कक्षा में जो भी कहा या सीखा उसे वे अपनी कॉपी में उतार लें। अपना इतिहास लिखने में ये पहला कदम होगा। हमारा लिखा, हमारा अपना इतिहास। विद्यार्थियों अभी थोड़ी ही देर पहले आपने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना को याद कर लिया। आपकी दोस्त ने भी आपको अपने बारे में सुनाया। आओ अब सीखते हैं कि दूसरे लोगों के बारे में कैसे बताया जाता है। शिक्षक ये बात ध्यान रहे कि वो छात्रा अब भी कक्षा में सामने खड़ी हो। विद्यार्थियों आप सबने अपनी दोस्त के बारे में सुना। चलो देखते हैं कि हमें उसमें से कितना याद है। शुरू करें। शिक्षक अब आप सभी विद्यार्थियों से कहें कि वे मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। और हाँ, चूंकि आप उत्तर जानते हैं इसलिए कृपया आप उनकी मदद भी करें। विद्यार्थियों ये है मेरा पहला प्रश्न, कक्षा में आपके सामने खड़ी आपकी दोस्त का नाम क्या है? ये रहा मेरा अगला प्रश्न, आपकी दोस्त के घर में कौन कौन है? विद्यार्थियों मेरा अगला प्रश्न है, अपनी दोस्त की कोई दो प्रिय चीजों के नाम बताएं। विद्यार्थियों अब अपनी दोस्त के जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना बताएं। Thank you.
बहुत अच्छे विद्यार्थियों, अब आप दूसरों के बारे में बताना सीख चुके हैं। शिक्षक, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने किसी प्रिय दोस्त के बारे में ध्यान से सुनकर उसे अपनी कॉपी में लिख लें। विद्यार्थियों और शिक्षक, मेरे पास एक गीत है जो हमें इतिहास का महत्व बताता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीत जानकारी प्राप्त करने व सीखने का आसान तरीका होता है, है ना? पहले मैं गीत सुनाती हूँ। जब से है धरती आकाश तब से है जन्मा इतिहास, जब से है धरती आकाश तब से है जन्मा इतिहास, आपका मेरा इनका उनका सबका है अपना इतिहास, जब से है धरती आकाश, साहस है जिज्ञासा है उपलब्धि और कुर्बानी, बीते कल की घटनाएं है अनुभव और कहानी, आने वाले कल को ये इतिहास ही देता है आकार, इसीलिए इतिहास तुझे हम प्यार, जब से है धरती आकाश तब से है जन्मा इतिहास, जब से है धरती आकाश तब से है जन्मा इतिहास। आप सभी हमारे साथ गाइए। और जोर से और जोश से। विद्यार्थियों और शिक्षक, जैसे हमारा व्यक्तिगत या निजी इतिहास होता है, उसी तरह हर गांव, हर समुदाय का अपना इतिहास होता है। इतिहास केवल नामों और तारीखों की सूची नहीं होता, बल्कि इतिहास हमें हमारे पूर्वजों का जीवन दर्शाता है और हमें अपने आगे का जीवन जीने में मार्गदर्शन करता है। इसीलिए विद्यार्थियों, आप अपनी व अपने आसपास होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दें। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, इतिहास के बारे में हमने क्या सीखा है, इसे जानने के लिए आइए अब एक बहुत ही मजेदार गतिविधि करें। शिक्षक, इस गतिविधि में सभी छात्र भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान शोर नहीं मचाना है।
शिक्षक, यदि विद्यार्थी तैयार हों तो उन्हें अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहें। विद्यार्थियों, मैं आपको इस गतिविधि को करने का तरीका समझाती हूँ। इस गतिविधि के दौरान मैं कुछ कथन या वाक्य बताऊंगी। ये कथन या तो सहमति वाले या असहमति वाले हो सकते हैं। आपको इन कथनों को ध्यान से सुनना है और यदि आप उससे सहमत हैं, तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तब आपको अपने हाथ नहीं उठाने हैं। आप जैसे खड़े हैं उसी स्थिति में खड़े रहें। शिक्षक, इस गतिविधि को विद्यार्थियों को पुनः समझाएं। अच्छा विद्यार्थियों, आप शुरू करें। मेरे कथन को ध्यान से सुनें और देखें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। मैं कहती हूँ, उड़न घोड़े के द्वारा बताई गई सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। क्या आप सहमत हैं? हाँ, आपको सहमत होना है, क्योंकि उड़न घोड़े के द्वारा बताई गई सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए आपको अपने हाथ ऊपर उठाने चाहिए थे। शिक्षक, देखें कि किन किन विद्यार्थियों ने अपने हाथ नहीं उठाए हैं। उन्हें बैठ जाने के लिए कहें। अब वे इस खेल से बाहर हैं। अब बाकी विद्यार्थियों ध्यान से सुने। मैं कहती हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास मुंबई और दिल्ली शहरों में हुआ था। क्या आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक शहरों में हुआ था, इसलिए आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शिक्षक, देखें कि किन किन विद्यार्थियों ने अपने हाथ उठाए हैं। उन्हें बैठ जाने के लिए कहें। अब वे भी इस खेल से बाहर हैं। अब बाकी विद्यार्थियों गतिविधि को जारी रखते हैं। ध्यान से सुने। मैं कहती हूँ, मैंने जिस महान व्यक्ति की जीवन गाथा आपको कहकर सुनाई, वह थे महात्मा गांधी। क्या आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने जिस महान व्यक्ति की जीवन गाथा आपको कहकर सुनाई, वे थे महात्मा गांधी, इसलिए आपको अपने हाथ ऊपर उठाने थे। शिक्षक, देखें कि किन किन विद्यार्थियों ने अपने हाथ नहीं उठाए हैं। उन्हें बैठ जाने के लिए कहें। विद्यार्थियों, मेरे अगले वक्तव्य को ध्यान से सुने। आप और मेरे जैसे आम व्यक्तियों के बारे में भी इतिहास लिखा जा सकता है। क्या आप सहमत हैं? इस कथन से हम सहमत हैं। हाँ, इतिहास आप और मेरे जैसे आम व्यक्तियों के बारे में भी लिखा जा सकता है, इसलिए इस बार भी आपको अपने हाथ ऊपर उठाने थे। जो विद्यार्थी अब खेल में बच गए हैं, वे इस खेल के विजेता हैं। विद्यार्थियों, बधाई और अब जोर से ताली बजाएं। प्रिय शिक्षक, इसी गतिविधि की तरह आप भी अपने सीखने सिखाने के तरीके अपनाकर अध्यापन को मनोरंजक बना सकते हैं, जिससे आप सिखाई गई बात की समीक्षा भी कर पाएंगे। इससे विद्यार्थियों में स्मरण की ही नहीं बल्कि विषय वस्तु को सुदृढ़ता से व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है। धन्यवाद शिक्षक।
विद्यार्थियों, आज हमने स्वयं का इतिहास लिखना सीखा। मजा आया ना? जाते जाते शिक्षक से एक और निवेदन। कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों से उनके दादा दादी के नाम याद करने को कहें। इसके साथ ही उन्हें दादा दादी के माता पिता के नाम अपने परिवार के लोगों से ज्ञात करने को कहें। इससे वंश वृक्ष तैयार होगा और तब मैं और मेरा इतिहास भी पूरा बनेगा। तो फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार बच्चों से गतिविधियाँ अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। हे राजू, हे चंदा, कम लेट अस गो टू स्कूल। हे राजू, हे चंदा, कम लेट अस गो टू स्कूल। वी शैल लिसन एंड लर्न इंग्लिश, कम लेट अस गो टू स्कूल। We shall dance, play and sing, yes, learning English is fun. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, Lesson 28. Dear teacher and students, कल हमने कुछ नए शब्द जैसे begin, end सीखा, counting का अभ्यास किया, अपना परिचय दिया, कुछ जानवरों की आवाज पहचानी और ही और शी का उपयोग करके यस या नो प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। आज हम माय और योर का अभ्यास करेंगे और ऑन, अंडर और शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, आज के पाठ के लिए आपको शिक्षक मार्गदर्शिका की आवश्यकता होगी। साथ ही ऑन अंडर खेल के लिए चौक, डस्टर, पेंसिल और एक बुक की भी जरूरत होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदा एंड राजू। गुड मॉर्निंग तुलसी। गुड मॉर्निंग सियान। गुड मॉर्निंग चंदा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षक, आज हम माय अर्थात मेरा और योर अर्थात तुम्हारा या आपका का अर्थ सीखेंगे। कृपया छात्रों के साथ माय और योर शब्दों के अर्थ का अभ्यास करें। छात्रों को व्हाट्स योर नेम और माय नेम इज का उदाहरण देकर याद दिलाएं कि वे माय और योर शब्दों को पहले सीख चुके हैं। आपके पास 20 सेकंड का समय है। शिक्षक, अब छात्रों से कहें कि राजू और चंदा की बातें ध्यान से सुनें, क्योंकि वे माय और योर शब्दों का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में करेंगे। चंदा, इज दिस माय बुक? यस राजू, दिस इज योर बुक।
Chanda, is this my bag? Yes, Raju, this is your bag. Chanda, is my mother's name Premin Bai? Yes, Raju, your mother's name is Premin Bai. शिक्षक अब एक गतिविधि करेंगे। छात्रों से कहें कि वे अपनी नोटबुक, स्लेट या पेंसिल को अपने हाथ में रखें। शिक्षक अपनी पेन या पेंसिल हाथ में रखकर कहें, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल। अब पहली पंक्ति के पहले छात्र से कहें कि वह अपने नोटबुक या पेंसिल को उठाएं और कहें, दिस इज माई। इस वाक्य को 2-3 बार दोहराने को कहें। आपके पास 20 सेकंड का समय है। शिक्षक अब अगले छात्र को यही गतिविधि करने को कहें। उन्हें अपनी कोई वस्तु उठानी है और कहना है, दिस इज माय। शिक्षक इस प्रकार इस गतिविधि को कक्षा में जारी रखें, जिससे प्रत्येक बच्चे को उत्तर देने का मौका मिले। दिस इज माय, आपके पास 1 मिनट का समय है। शिक्षक अब पहली पंक्ति के पहले छात्र की कोई वस्तु उठाकर कहें, दिस इज योर। इस वाक्य को 2-3 बार दोहराएं। शिक्षक अब पहली पंक्ति के पहले छात्र को अपने बाजू में बैठे छात्र की कोई वस्तु उठाकर बोलने को कहें, This is your। शिक्षक अब अगले छात्र को कहें कि वह अपने बाजू में बैठे छात्र की कोई वस्तु उठाकर कहे, This is your। शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि को कक्षा में जारी रखें, जिससे प्रत्येक बच्चे को अपने बाजू में बैठे छात्र की कोई वस्तु उठाकर कहने का मौका मिले, दिस इज योर। आपके पास 45 सेकंड का समय है। गुड वर्क स्टूडेंट्स।
शिक्षक अब हम विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ियों का अभ्यास करेंगे। छात्रों को अपोजिट अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्दों का अर्थ समझाएं। शिक्षक अब छात्रों से पूछें कि टॉल अर्थात लंबा का अपोजिट क्या है। शॉर्ट स्टूडेंट्स से शॉर्ट। शिक्षक अब एक बॉय को किसी टॉल अर्थात लंबी वस्तु का और एक गर्ल को किसी एक शॉर्ट अर्थात छोटी वस्तु का उदाहरण देने को कहें। शिक्षक छात्रों से पूछें कि लाउड अर्थात तेज का ऑपोजिट क्या है। सॉफ्ट स्टूडेंट्स से सॉफ्ट। शिक्षक अब एक बॉय को लाउड और एक गर्ल को सॉफ्ट आवाज का उदाहरण देने को कहें। शिक्षक छात्रों से पूछें कि बिगिन अर्थात शुरू करना का अपोजिट क्या है। एंड स्टूडेंट्स से एंड। शिक्षक एक गर्ल से पूछें कि वह अपने दिन को कैसे बिगिन करती है और एक बॉय से पूछें कि वह अपने दिन को कैसे एंड करता है। शिक्षक छात्रों से पूछें कि हार्ड अर्थात कठोर का ऑपोजिट क्या है। सॉफ्ट स्टूडेंट्स से सॉफ्ट। शिक्षक अब एक बॉय को किसी हार्ड अर्थात कठोर वस्तु का और एक गर्ल को किसी एक सॉफ्ट अर्थात नरम वस्तु का उदाहरण देने को कहें। शिक्षक छात्रों से पूछें कि अप अर्थात ऊपर का अपोजिट क्या है। डाउन स्टूडेंट्स से डाउन। शिक्षक छात्रों से पूछें कि बिग अर्थात बड़ा का ऑपोजिट क्या है। स्मॉल स्टूडेंट्स से स्मॉल। शिक्षक अब एक बॉय को किसी बिग अर्थात बड़ी वस्तु का और एक गर्ल को किसी स्मॉल अर्थात छोटी वस्तु का उदाहरण देने को कहें। गुड वर्क स्टूडेंट्स। शिक्षक अब छात्रों से कहें कि रेडियो पात्रों के वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुनें। उन्हें बताएं कि उन्हें माय और योर के उपयोग पर ध्यान देना है।
चंदा, गिव मी माई पेंसिल. राजू, दिस इज नॉट योर पेंसिल, दिस इज माई पेंसिल. राजू, चंदा, क्या बात है? आई वॉन्ट माई पेंसिल. दिस इज नॉट योर पेंसिल राजू, दिस इज माई पेंसिल. चंदा, तुमको ये पेंसिल किसने दी? माई मदर. नो, आई वॉन्ट माई पेंसिल, आई वॉन्ट माई पेंसिल. राजू, लुक इन योर बैग, इज योर पेंसिल इन योर बैग? लेट मी सी, यस इट इज. सॉरी चंदा. सो यू हैव योर पेंसिल नाउ राजू, गुड. यस, लेकिन राजू, अगली बार से चंदा से इस तरह गुस्से से बात मत करना, तुम्हें उससे अच्छे तरीके से मदद मांगनी चाहिए. शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू क्या ढूंढ रहा था. शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू चंदा से नाराज क्यों था. शिक्षक छात्रों से पूछें कि चंदा को पेंसिल किसने दी थी. शिक्षक छात्रों से पूछें कि सियान ने राजू को क्या करने की सलाह दी थी. शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू को आखिरकार उसकी पेंसिल मिली कि नहीं. शिक्षक, क्या राजू को चंदा से गुस्से में बात करनी चाहिए थी? शिक्षक, क्या वे अपने फ्रेंड से गुस्से में बात करते हैं? गुड. शिक्षक छात्रों को याद दिलाएं कि किसी से भी गुस्से में या अपमानजनक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए. शिक्षक, अब हम टच सॉन्ग के साथ शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे. शिक्षक, कृपया छात्रों से राजू और चंदा के वार्तालाप को सुनने को कहें और शरीर के उन अंगों को छूने को कहें जो कि गीत में बताए जा रहे हैं. आप भी शामिल हों. Ready students? Students, stand up. Touch your head, boom, boom, boom. Touch your nose, boom, boom, boom. Touch your hand, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. Again. Touch your head, boom, boom, boom. Touch your nose, boom, boom, boom. Touch your hand, boom, boom, boom. Touch your toes, boom, boom, boom. Good work, students. Sit down. शिक्षक, अब हम on एवं under शब्दों का फिर से अभ्यास करेंगे. कृपया छात्रों से कहें कि वे रेडियो कलाकारों की बात ध्यान से सुने. इस खेल के लिए आपको चौक, डस्टर, पेंसिल और बुक की जरूरत होगी. कृपया इन सभी चीजों को रेडियो कलाकारों की बातचीत के दौरान
टेबल पर रखें। सियान, विल यू प्ले द ऑन अंडर गेम विथ मी? यस राजू। गुड इवनिंग सियान। गुड इवनिंग राजू। गुड इवनिंग चंदा। चंदा, विल यू प्ले द ऑन अंडर गेम विथ अस? व्हाट्स ऑन, व्हाट्स अंडर? शिक्षक, कृपया स्टूडेंट्स को ऑन तथा अंडर शब्दों का अर्थ स्थानीय बोली में बताएं। How do we play the game? I will tell you. Let's also invite our friends to join us. शिक्षक कृपया छात्रों को दो टीम में बांटें। एक को ग्रुप ए और दूसरे को ग्रुप बी का नाम दें। शिक्षक, अब प्रत्येक टीम से एक छात्र को कक्षा के सामने बुलाएं और उन्हें पेंसिल, डस्टर, चॉक, बुक आदि में से कोई एक वस्तु दें। अब बाकी टीमों के बच्चों को बताएं कि उन्हें टीम के साथी को राजू के ऑन या अंडर कहने पर दी गई वस्तु को टेबल के ऊपर या नीचे रखना होगा। शिक्षक, कृपया स्टूडेंट्स को बताएं कि जब सामने खड़ा उनके टीम का साथी रेडियो कलाकार द्वारा बताए गए स्थान पर वस्तु को नहीं रख पाएगा तो उसे अपनी टीम में वापस जाना होगा। इससे वह टीम का एक नंबर खो देगा। अब इस टीम को कक्षा के सामने भेजने के लिए नया सदस्य चुनना होगा। शिक्षक, कृपया दोनों टीम द्वारा प्राप्त अंकों को ब्लैकबोर्ड पर दर्शाते रहें। रेडी टीचर, रेडी स्टूडेंट्स? ऑन। अंडर। On. Under. 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 On. शिक्षक, क्या किसी टीम को कोई पॉइंट मिला है? टुडे राजू विल स्टार्ट अगेन। अंडर। अंडर। On. Under. Good work, students. Teacher, let's revise counting with the little finger song. Students, do you remember the Little Fingers song? Teacher, please tell the students to sing with me. और हाँ, गाने के साथ अपनी उंगलियां खोलकर दिखाना ना भूलें. Little Fingers
One little, two little, three little fingers. Four little, five little, six little fingers. Seven little, eight little, nine little fingers. Ten little fingers, yeah. Yes, you all remember the Little Fingers song. Let's all sing once again. One little, two little, three little fingers. Four little, five little, six little fingers. Seven little, eight little, nine little fingers. Ten little fingers, yeah. Teacher, let's do a drill activity. आप 1 से 10 तक की कोई भी संख्या बोलें और छात्रों को उस संख्या के अनुसार उंगलियां दिखाने को कहें. आपके पास 45 सेकंड का समय है. Good work, everyone. Sian, it's time to go. Goodbye, Tulsi. Goodbye, Sian. Goodbye, Raju. Goodbye, Chanda. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. It's time for us to go. Goodbye, teacher. Goodbye, students. Goodbye, everyone. You have been listening to English is Fun, Lesson 28. Dear teacher and students, आज हमने my, your, on, under और शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास किया. कल हम शरीर के अंगों के कुछ और नामों के बारे में सीखेंगे और सीखे गए शब्दों का अभ्यास करेंगे. हे राजू, हे चंदा, कम ऑन. हे राजू, हे चंदा, कम लेट अस गो टू स्कूल. We shall dance, play and sing as yes. Learning English is fun. Learning English is fun. अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक कार्यक्रम English is fun. हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं. हमारा पता है राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, 462-011. ये था